सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज हम आए हैं गौरव भैया के शॉप पे एक बार फिर से, और आज अपने पास है RN5 वर्जन 4, और इसमें हम लगाने वाले हैं डिफरेंट एग्जॉस्ट सिस्टम और चेक करने वाले हैं कि किसकी साउंड कैसी रहेगी। तो अभी हाल फिलहाल के लिए तो इसमें योशिमुरा का अल्फा लगा हुआ है, और एग्जॉस्ट जितने भी हम लोगों को टेस्ट करने हैं वो सारे के सारे ये रहे। तो आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट करेंगे योशिमुरा R77, एक्रोपोविक R1M, दी माइटी R9 और मिव एग्जॉस्ट, लियोविंस कोबरा, और ये है टोस एग्जॉस्ट। तो सबको बारी बारी से टेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो लगा हुआ है इसकी भी आवाज़ भी आपको सुना के दिखाएंगे। तो भाई जल्दी से बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। इसका डीबी कलर मैंने निकाल लिया है, डीबी कलर निकालने के बाद की आवाज़ चेक करते हैं। तो सूरज भाई स्टार्ट करेंगे। करिए सर स्टार्ट, उस तरफ आ जाओ, उस तरफ। तो भाई आइडल सुनो पहले। हाय हाय, टीवी कलर निकाल के तो मजा आ रहा है, पटाखे देख रहे हो। हाँ हाँ, मजा आ गया, मजा बहुत सही यार, पटाखे जो आ रहे हैं ना। अब डीबी कलर लगा के, डीबी कलर लगाओ। तो भाई इसमें डीबी कलर लग चुका है, अब इसका साउंड सुनाते हैं विद डीबी कलर। देख सकते हो विद डीबी कलर कितना ज़्यादा साउंड दब जाता है। फिटल देना जरा शुरू किया। तो यार डीबी कलर में तो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है साउंड कैसा आ रहा है, बिल्कुल ही। थोड़ा सा साउंड कम होता है, लेकिन स्टिल आपका लाउडनेस रहती है हाई नोट्स पे। तो यार डीबी कलर लगा के भी सुना दिया, अब बताओ भाई इनमें से कौन सा लगाया जाए, बताओ भाई सूरज। R77 मतलब योशिमुरा से स्टार्ट किया था, उसके बाद भी योशिमुरा। तो हम लगा रहे हैं अब इसमें R77, तो बिना किसी देरी के इसको लगाते हैं, देन टेस्ट करते हैं। तो अब लगेगा R77 ये वाला एग्जॉस्ट। स्टार्ट करो, बेसी है, काफ़ी अच्छा बेसी है, बेस अच्छा निकल रहा है। बहुत बढ़िया यार, लाउड प्लस बेस। क्यों राजीव, क्या कहते हो भाई? एक नंबर, एक नंबर। तो अब लगा रहे हैं एक्रोपोविक R1M, स्टार्ट करते हैं। R1M तो डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा प्यारा साउंड है ये। अब जो एग्जॉस्ट आने वाला है उसका लगाते हैं पहले, टोस्ट का। टोस्ट का लगाओगे? लाउड, पहले लाउड टोस्ट लगाओ, जब ही तो सुनते हैं। देख सकते हो भाई एक्सीलेटर चल रहा है गाइस, ये तो अरे मर जाएंगे, रहने दे, मर जाएंगे। देख रहे हो भाई, तो अब लगने वाला है R9 एग्जॉस्ट। तो आप देख सकते हैं R9 एग्जॉस्ट अपनी लेजर में भी लगा है, और अब हम इसको लगा रहे हैं V4 में। तो अब जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। क्या स्मूथ साउंड है यार, आइडल सुनो, ज्यादा प्यारा साउंड आ रहा है इसका, बहुत प्यारा साउंड है यार। तो हाई नोट से भी सही साउंड आ रहा है बहुत। Thank you.
बेस है लेकिन इतनी नहीं, लाउडनेस ज़्यादा है, लाउडनेस ज़्यादा है ना, लाउडनेस ज़्यादा है जैसे डोस था ना, चुभ रही है कम ही है थोड़ा, नहीं डोस से तो कम होगी, ये थोड़ी चुभ रही है। हाँ लियो विंस आ गया भाई, लियो विंस कोबरा। पहले लियो विंस का लुक दिखाएंगे सब भाई लोगों को, लुक चेक करो लियो विंस का यार, कोबरा है जरा सा, इतना छोटा सा लगता है यार, और कलर जो है ना लुक में बहुत प्यारा लगता है। आइडल अच्छा है, कानों में से धुआं निकल गया, मजा तो आया, धुआं निकल गया कानों में से यार, मुझे ऐसा लगा तुम्हारे कानों में गया है। क्या बोलते हैं नावेद भाई, इससे कान और दूसरा आप समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा हूं। तो सारे एग्जॉस्ट हमने लगा लिए, सूरज कौन सा सबसे बढ़िया लगा भाई? मेरे को तो R9 साउंड के मामले में कम साउंड के साथ मजा आ गया, मजा आ गया। तो भाई को भी R9 पसंद आया, बताओ कौन सा पसंद आया? R9 भैया, लेकिन क्या करे भाई, नेक्स्ट वीडियो में शायद वही एग्जॉस्ट लगेगा, अभी अपना ही एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं भाई। ना ना, अभी तो अपना योशिमुरा अल्फा, लेकिन फ्यूचर में R9 लगवाओगे पक्का? R9 लगवाना भाई इसके बाद जो। तो गाइस आप सूरज की भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर से सब्सक्राइब करिए भाई का चैनल सूरज स्टंट, और साथ ही साथ आपको उस चैनल पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, व्लॉग्स एंड स्टंट राइडिंग इन ईच एंड एवरीथिंग। स्टंट राइडिंग की नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे ब्लॉग पे मिलेगी, पक्की बात है। नेक्स्ट वीडियो भाई ने भी कह दिया है, सूरज भाई ने भी, कि अब नेक्स्ट वीडियो अपनी लेजर पे मिलेगी। और देखो बच्चे भी आ गए यार, बच्चे कितना फैन है सभी के सभी बच्चे लोग। तो भाई आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड गाइस ऐसी ही वीडियोस के लिए अपने चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।